इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। हवाई जहाज संघर्ष समिति भागलपुर के बैनर तले अनिश्चितकालीन धरना भागलपुर समाहरणालय में संयोजक सुबोध मंडल के द्वारा किया गया। भागलपुर को हवाई सेवा की जरूरत, भागलपुर में हवाई अड्डा तो है लेकिन हवाई जहाज चलाने की सरकार का ध्यान नहीं। संयोजक सुबोध मंडल ने कहा कि हमारी जो मांग है, हवाई अड्डा से 40 से 50 सीटर का हवाई जहाज चले और जब तक हवाई जहाज चलता नहीं तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और यदि 4 महीने के अंदर सरकार कोई कार्यवाही नहीं करती है तो हवाई जहाज जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार का आएगा उसको उतरने ही नहीं देंगे। ये मेरा संकल्प है। अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हमारे पास 10,000 आदमी हैं झुग्गी झोंपड़ी के, जाकर लेट जाएंगे। समर्थन के लिए भाजपा, कांग्रेस, राजद, इंसान पार्टी से समर्थन मांगा है। सभी संगठन के द्वारा कहा गया है कि आप धरने पर बैठे रहिए, जहाज चलेगा हम लोग समर्थन करेंगे। राहुल कुमार सिंह, ब्यूरो चीफ, इंडियन टीवी न्यूज, भागलपुर, बिहार। धरना का उद्देश्य है कि ये हमारी जो वर्तमान हवाई अड्डा है इससे 40-50 सीटर का हवाई जहाज चले और जब तक हवाई जहाज चलता नहीं है तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और यदि 3-4 महीना के अंदर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है, हम लोगों को कोई कार्रवाई नहीं दिखाई देगी, हम लोग हवाई जहाज जो केंद्र सरकार की आएगी या बिहार सरकार की आएगी उसको उतरने नहीं देंगे यहाँ। ये मेरा संकल्प है। कब से आप लोग धरना बैठे हैं? हमारा आज 25वां दिन धरना चल रहा है यहाँ। इसके पहले भी चल रहा था घंटाघर चौक पे, घंटाघर में 33 दिन चला था धरना। उसमें क्या निराकरण निकला? उसमें तो निराकरण हुआ कि सांसद जी आए, ले गए 5 टीम को, ले गए 5 टीम वहाँ गए और वहाँ केंद्रीय उड्डयन मंत्री से मिलाया और मिल करके हुआ कि 1 महीना में चलाएंगे, लैंडिंग चार्ज इतना लगेगा, कंपनी के विमान के भी आदमी आए लेकिन कोई फल नहीं मिला। तब हम धरना शुरू कर दिए 11 जुलाई से। अच्छा, धरना शुरू फिर से जो किया है इससे क्या अनुभव हो रहा है आपको कि चालू हो जाएगा? कि हम तो इसको जीत लेंगे ना, हम लोगों की मांग मिलेगी नहीं? पक्का पूरा बोल एकदम पूरा मैं कह दिया। और नहीं हुआ तो? नहीं होगा, कैसे नहीं होगा? हमारे पास 10,000 आदमी है, झुग्गी झोपड़ी का आदमी है, गरीब आदमी है, सब लेट जाएंगे वहाँ। और कोई संगठन आपको आपके साथ में है क्या? हमारे साथ सभ्य संगठन कर रहा है। कल इसको चिट्ठी लिखे, पांडे जी को चिट्ठी लिखे, हम जिला अध्यक्ष को चिट्ठी लिखे, ये कांग्रेस के अजीत शर्मा को चिट्ठी लिखे, इंसान पार्टी को, VIP इंसान पार्टी को। सबके तरफ से क्या रुझान मिला? सबके तरफ से धरना पड़े रहिए, धरना पर रहिए, आज नहीं कल एक दिन चलना है जहाज, इसको कोई दुनिया का ताकत नहीं रोक। हम बड़ा जहाज थोड़े खोजते हैं, हम तो छोटा जहाज खोजते हैं, 30-40-50 सीटर का हम जहाज खोजते हैं जिसके लिए अवेलेबल है यहाँ रनवे, जिसके लिए मैंने रेनवे वगैरह वगैरह सब है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुबोध मंडल, संयोजक हवाई सेवा संघ। हाँ, हवाई सेवा संघर्ष समिति। और समाज से भी आप भी हैं? हाँ, समाज से भी हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज़।